गांव बसा नहीं कि भिखारी आ गए। भैया जी आप जाओ, माफ करो। अरे भिखारी नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं मंजू का डैडी खेराती लाल। तो एक ही बात है ना। चलो अच्छा, सबको आपका असली रूप तो दिख गया। अरे मेरा रूप नहीं है, मैं वो एक एड फिल्म की शूटिंग से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने भिखारी का रोल किया है। उनके कपड़े पहन के आ गया यार। कपड़े मेरे हैं। क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि उस आदमी को रोल देंगे जिसके पास भिखारी के कपड़े हो। एक्टर तो बहुत थे वहाँ पे, लेकिन कपड़े सिर्फ मेरे पास थे। रोल मिल गया। ये बता, वो एड टीवी पर आएगा कब? जब भी आएगा, आधा आएगा, क्योंकि मैं आधे में छोड़ के आ गया। आधे में छोड़े तो उनका कितना नुकसान हो गया होगा। अब उनका नुकसान देखो कि अपना फायदा देखो। क्या हुआ कि डायलॉग था, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। अब हीरो ने जैसे 100 का नोट फेंका, मैं डायलॉग भूल गया। मैं दिल बैठ गया, तो फिर मैंने आराम से 100 का नोट उठाया और तेजी से भाग लिया वहां से। इसी खुशी में इमली खाओ, मुंह खट्टा करो। खुशी में कोई इमली खिलाता है क्या बे? अब 100 रुपए की खुशी के लिए इमली खिलाऊंगा, काजू कतली थोड़ी लाऊंगा 200 रुपए की। तू ना अपनी इमली छोड़, मेरी मिठाई ले। ये ले ले, रख। दो दो दिए मैंने तुझे, तुझे पता है 50,000 रुपए की लॉटरी लगी है मुझे। अरे वाह करी, वाह 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 वाह। ये सोचो इस पैसे का करना क्या है। ये पैसे तो मैं अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखूंगी। बुढ़ापे के लिए? और कितनी बुढ़ी होगी, अभी दोबारा काले बाल आने शुरू हो गए तुम्हारे। एक काम करो, ये जो पैसे हैं ना, ये मुझे दे दो। मुझे दे दूंगी तो मैं अमीर कैसे बनूंगी? देखो वो गाना नहीं सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगी 10 लाख देगा, एक पैसे में मिल रहे 10 लाख, तुम दे रही हो 50,000, तो इसके हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट हो रहा है। पैसे में रख लेता हूँ, काउंटिंग कर लो, ठीक है? चल जा 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 जा, बड़ा आया है, लानत हो। भगवान अब तू ही मुझे कोई अच्छा सा रास्ता दिखा दे। कौन भाई तुम? हम घुसली। मौका मिलते तुम कहीं भी घुस जाते हो, लेकिन हो कौन? हमारा नाम घुसली, किसे जा रहा हो? ब्रुसली। हमारी माँ का नाम केटली, हमारी दादी नाम गुटली। और बहन? बहन भागली। ओ वाओ, क्या नाम है, भागली। हम इधर कंपनी खोलने के लिए आया। जो हमारी कंपनी में 50,000 रुपए लगाएगा, 1 साल बाद हम उसको 5 लाख रुपए देगा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर अगर मान लो किसी के पास 50,000 ना हो, तो उसको साल के एंड में आप 4.5 लाख दे दोगे 50,000 पहले वाले काट के? ये आदमी कौन है जिसकी सोच इसकी शक्ल से भी घटिया है? खेराती लाल। खेराती लाल? एक तो खेराती, वो भी लालची। अगर और कुछ बोला ना तू, मार मार के तेरा मुंह कैसे लाल कैसे नीला कर दूंगी। पीला भी है, लाइक मल्टी कलर। मेरे पास भी पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, 100 रुपया। हाँ, तो मुझे क्या मिलेगा बिजनेस के बाद? आपको दुआएं मिलेगा 100 रुपये में, और क्या मिलेगा। ठीक है, मैं 100 रुपये लगाने के लिए तैयार हूँ। ये बताओ कि किस चीज की फैक्ट्री लगाओगे? हम खच्चर बनाने की फैक्ट्री लगाया। खच्चर की फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ वैसे ही इतने सारे घूम रहे हैं। खच्चर का फैक्ट्री क्यों लगाना चाहते हो? ऐसा आदमी 100 रुपए लगाता है 250 सवाल पूछता है। हम लोग पहले बता चुका है, हम लोग खच्चर का फैक्ट्री खोलेगा, फिर हम लोग गधा बनाएगा, फिर हम लोग घोड़ा बनाएगा, फिर हम लोग SUV घोड़ा बनाएगा, उसमें AC फिट करेगा, बैक लाइट डालेगा, इंडिकेटर लगाएगा, घोड़ा का फैक्ट्री दुगड़ दुगड़ लगाएगा। क्या बिजनेस सेंस है वो? मैं अपना कराटा नीचे कर लूं, मेरा हाथ तक है। घुसली, मैं तुम्हारे कंपनी में समझो घुसली। तो समझो तुमको हमने चूस ली। वेलकम। अरे एक मिनट, पैसा मैं लेके आता हूँ, मेरा पैसा तो है ही नहीं। दादी,
दादी ये कौन है? ये घुसली है, घुसली चाइनीज बिजनेसमैन। बिजनेसमैन सबके पूछ पीछे होती है, इसने होटो पे रखी हुई है। ये कौन है? ये मुंह तो घोड़े का होता है, इसका कैसे लग गया? जब भी बात करेगा घोड़े की तरह। तुझे पता है राजू, इनकी कंपनी में हम 1 रुपया लगाएंगे ना तो हमें डबल ट्रिपल चौबल मिलेगा। अच्छा हाँ। सही बात है, ठीक है फिर मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। ये कौन है जो शक्ल से तो भिखारी लग रहा है, बातों से और ज्यादा भिखारी लग रहा है? मुझे भिखारी बोल रहे हैं पाजी जी, देखो अभी आपको मेरे साहब जी का नहीं पता। आपको पता है वो तो इतने जाहिल है, कल मुझसे पजामा मांगा, मैंने देने से मना कर दिया, उसमें से नाड़ा निकाल कर खा गए वो। तुम्हारा मुंह पे मच्छर बैठा था, मच्छर बैठा था। अच्छा मच्छर बैठा है? हाँ मच्छर बैठा था। देखो हम तुम्हारे मालिक का तारीफ सुनने नहीं आया, हम इधर बिजनेस करने को आया। तो हम भी बिजनेस करने के लिए, हम कौन सा बर्फ लेने के लिए आए हैं? मेरे पास 1 लाख रुपए है सर। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बस ऐसे, जब से मैंने साहब जी को उधार देना बंद किया ना तो मेरी सेविंग थोड़ी बढ़ गई है। क्या बात करता है? और क्या, आपको पता है मेरे साहब जो इतने ज्यादा खराब आदमी ना, एक दिन मेरे को कहते तुम्हारे पास 50 ग्लास की 2 है, मैंने कहा हाँ है, कहते एक मुझे दे दे। ऐसे बोला? हाँ। मच्छर है, मच्छर है, मच्छर है। दो मच्छर है। तूने एक बात नोटिस की, जब भी बिट्टू का नाम लेते तेरे मुंह पे मच्छर बैठ जाता है। और जब कूड़े करकट का नाम लोगे तो मच्छर तो आएंगे आएंगे ना। बस मैंने अपने मालिक से छुपा कर रखे, वो थोड़े चोर टाइप के ना। ओह माय गॉड, कितना बड़ा मच्छर बैठा। इतना सारा मच्छर लग रहा है। एक 4 व्हील की गाड़ी भी देखी है। अब ये बताओ मुझे कब दोगे पैसे, उसके बाद मुझे गाड़ी लेनी है। वो सिद्धू साहब क्या गाड़ी है, उससे बाइसेप बनते हैं। है? गाड़ी में जिम भी लगा हुआ है। नहीं नहीं, गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना वो। ये उसके यहाँ पे बाइसेप बनते हैं। पूरे तुम हमको बेकूफ बनाते हैं क्यों? नकली पैसा देता हमको। अरे क्या बात कर रहे, तुम्हारे देश की करेंसी उसको नहीं पहचान रहे तुम? क्या बात करते हैं, ये चाइना का पैसा है? हाँ? जब हम घर से निकला था तब तो कोई और रंग का था, अभी हो सकता है रातों रात छाप लिया हो। इतना बेवकूफ समझ रखा है, इतनी रात को कौन नकली नोट छापता है? क्या बात करती है बुढ़न, तुम लोग रात का बात करते हैं, मैं दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए छाप लिया, 1 लाख राजू का, 50 रुपए दादी का। क्या मैं पकड़ा गया? साहब जी, मुझे पता था कि मेरा दामाद एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। आज चाइनीज बन गया, शाबाश शाबाश। दामाद जी को हाथ लगाया, दामाद को हाथ लगाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। क्या कह दिया आपने? बेटी के घर में इज्जत नहीं होती, देखा? एक बार कहा मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, पैर रख रख के गए। मैं बात कुछ करता ही नहीं है। घर में ले गए कोई बात नहीं, मुझे पता है इनके चाय के डब्बे में 72 रुपए पड़े हैं, 28 रुपए की चाय पी जाऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं बराबर कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ओके सी यू।